दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बार फिर नील की कोठी जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है या बक्सई गांव में है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो नील की कोठी है अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, नील की इसको फैक्ट्री भी कह सकते हैं। यहां पर नील की जो फसल तैयार होती थी उसकी प्रोसेसिंग किसानों से कराई जाती थी और जो ये प्रोसेसिंग का तरीका था बहुत ही बदबूदार तरीका था। और आज हम पुनः, इसके पहले भी हम लोगों ने लगभग 2 से 3 वीडियो के जरिए आप लोगों तक अपनी बात रखने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारा प्रयास है कि ये सरकार तक ये बात हमारी पहुंचे और सरकार इसको संरक्षित करे, इसके उसको इतिहास के शोधार्थियों तक उसको जानकारी दी जाए। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ यह जानकारी आपके लिए, इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। यह नील की कोठी है और आपको यहाँ पर एक हौज दिख रहा होगा। इस तरह के तमाम हौज यहाँ पर बने हुए हैं और ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं मोटी मोटी दीवारों से। इस हौज में यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर कुआनो नदी से पानी लाया जाता था, जो बिना किसी मशीनों के इतनी ऊंचाई पर, यानी 15 से 20 फीट 30 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाया जाता था बिना किसी मशीन के। पाइप के द्वारा एक कुएं में आता था और उसके बाद उस कुएं से पानी इस नील की फैक्ट्री में चढ़ाया जाता था। जो नील के खेती करने वाले किसान थे उन किसानों से फसल काटने के बाद इन हौजों में फसल को सड़ाया जाता था और फिर इसमें नीचे उतर करके जो किसान थे उसको प्रोसेसिंग करते थे। बहुत बहुत बड़ा काम था। इसके बाद इस प्रोसेसिंग के बाद एक दूसरा गड्ढा जो निचले तल पर है आपको दिखा दें, इस गड्ढे में उस पानी को नितार करके छोड़ा जाता था और फिर प्रोसेसिंग करते करते जो आपको दिखा दें जो पानी आता था इन नालियों के द्वारा पानी इन गड्ढों में छोड़ा जाता था और इसके बाद जो है इन नालियों से पुनः पानी का जो संचारण था दूसरे गड्ढे में किया जाता था। और आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि प्रोसेस क्या था। और यहाँ आप देख सकते हैं एक नाली यहाँ पर बनी हुई है, जो पानी वेस्ट होता था, जो खराब हो जाता था, वो पानी इससे बाहर छोड़ दिया जाता था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर ये नील की फैक्ट्री है। और नील आंदोलन के बारे में हम आपको बताएंगे, नील आंदोलन क्या था, गांधी जी का इसमें योगदान क्या था, चंपारण आंदोलन क्या था। देश में सबसे पहले जो है नील की खेती बंगाल से अंग्रेजों ने शुरू की थी और वहाँ पर अंग्रेजों ने एक पद्धति की शुरुआत की थी जिसको तिनकटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तिनकटिया पद्धति हुआ थी जिसमें एक बीघे में तीन हिस्सा लगभग, मतलब तीन बिस्वा खेत जो है लगभग 20 बिस्वा का एक बीघा होता और 20 बिस्वा में 3 बिस्वे खेत पर अंग्रेजों को नील की खेती करना, भारतीय किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था और इसके लिए पूरी तरीके से उनको उनके साथ अंग्रेज एग्रीमेंट करते थे। और जब भारतीय किसान इस एग्रीमेंट को तोड़ते थे तो उन पर अंग्रेज अधिकारी जो है 100 रुपये का जुर्माना प्रति बीघे के हिसाब से लगाते थे और 12% अगर वो जुर्माना नहीं दे पाते थे तो 12% का ब्याज भी लगाया जाता था। धीरे धीरे बंगाल में इसका विरोध होने लगा और अंग्रेज बिहार की तरफ कूच करने लगे नील की खेती के लिए। और पहली बार जो है चंपारण जनपद में, जो चंपारण जनपद 1972 में 2 जिलों में विभाजित कर दिया किया जा चुका है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। एक चंपारण का जो जिला मुख्यालय है वो बेतिया में है। तो वहाँ पर जब किसानों से जबरदस्ती अंग्रेजों ने नील की खेती करानी शुरू की तो धीरे धीरे वहाँ पर भी विरोध होना शुरू कर गया। पहली बार जो है 12 गांव में सन 1813 में अंग्रेजों ने चंपारण में नील की खेती शुरू कराई थी। और जो नील तिनकटिया पद्धति या इसका अंग्रेजों का इतना अत्याचार किसानों पर बढ़ गया कि धीरे धीरे चंपारण में भी किसानों का विरोध बढ़ने लगा था। और वहीं के निवासी वकील ब्रजकिशोर और राजकुमार शुक्ल जो है वह लगातार गांधी जी से संपर्क करने की कोशिश में थे, चाहते थे गांधी जी आए चंपारण यात्रा पर आए और अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलें। कई बार ब्रजकिशोर जी और राजकुमार शुक्ल जी गांधी से मिले लेकिन गांधी जी को बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार में पीछा करते करते राजकुमार शुक्ल जो है कानपुर बैठक में, कांग्रेस की का अधिवेशन चल रहा था, राजकुमार शुक्ल जो है पीछा करते करते गांधी जी के पास पहुंचे और उन्होंने लखनऊ में अधिवेशन था और वहां उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वह चंपारण की यात्रा करें। पहले तो गांधी जी ने मना किया लेकिन जब उन्होंने पूरी बात वहां की गंभीरता समझाई तो उन्होंने कहा कि मैं बंगाल जाने वाला हूं और जब बंगाल जाना होगा तुम आकर मिलना और फिर वहाँ की यात्रा करूँगा। इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने पूरे चंपारण में धारा 144 लगा दी और गांधी जी के आने पर रोक लगा दिया। लेकिन गांधी जी माने नहीं और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करते हुए 15 अप्रैल 1917 ईस्वी में वह चंपारण आए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध
सत्याग्रह करते हुए आंदोलन छोड़ दिया और चंपारण की यात्रा की, और आखिरकार में अंग्रेजों को बैक होना पड़ा, उनको जो तिलकटिया पद्धति को ख़त्म करना पड़ा। और धीरे धीरे चूंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी, केमिकल से नील नहीं बनता था, खेती से नील बनाया जाता था, तो इन सारी चीज़ों को जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया तो अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और तिलकटिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि देश का सबसे पहला और सफल किसान आंदोलन 1907 में चंपारण में हुआ था। तो यह जो आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नील की फैक्ट्री थी, जिसमें नील की फसल का प्रोसेसिंग होता था। यहाँ पर नील की फसल को गलाया जाता था और उससे नील तैयार होता था। उस नील तैयार नील को अंग्रेज अधिकारी ब्रिटेन ले जाते थे। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये नालियाँ हैं, जो गड्ढे हैं, और आज भी उसी स्थिति में है। यहाँ पर अगर मिट्टी का क्षरण ना होता तो निश्चित तौर पर यथा स्थिति जिस स्थिति में बनाया गया था उसी स्थिति में ये नालियाँ, एक हौज आज भी मिलते। आप देख सकते हैं कि एक वह गड्ढे हैं जिसमें प्रोसेसिंग होता था, और इस यहाँ पर शाही ने माद बना रखा है, हो सकता है इसमें अजगर भी रहता हो क्योंकि पूरी तरीके से झाड़ झंखार से ढका हुआ है। और गर्मी का मौसम है, यहाँ पर हमको जहरीले जीव जंतु भी मिल सकते हैं, क्योंकि पूरी अथाह गर्मी दिन भर में थी। हम लोग बचते बचाते हुए दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पानी यहाँ पर आता था। इसके पहले हम लोगों ने जब यहाँ पर वीडियो विजुअल बनाया था तो ये थोड़ी अच्छी स्थिति में था, लेकिन मुझे लगता है एक दो सालों में इसकी स्थिति और बदतर हुई है। यहाँ पर कई जो दीवार हैं वो गिर चुके हैं, और चूंकि अंग्रेजों के बनाई बिल्डिंग है, अभी यह सरकार की संपत्ति कही जा सकती है। अगर इसको संरक्षित नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा इसको कब्जा करके अपने कस्टडी में ले लिया जाएगा। तो ऐसा जो ऐतिहासिक ऐतिहासिक धरोहर है, ये अब पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगा। हम वो आपको स्थल भी दिखाएंगे, वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर पानी ऊपर से चढ़ करके इन हौजों में आता था नालियों के द्वारा और फिर बाहर निकलता था। आप देख सकते हैं तीसरा एक हौज बना हुआ है, मतलब ये तीन लेयर में बना हुआ नील की फैक्ट्री है, और तीन लेयर से होकर के पानी आता था और उसकी प्रोसेसिंग होती थी और फिर निथार करके नील को अलग किया जाता था। तो आगे मैं चलता हूं और चाहूंगा जो हमारे साथी हैं धर्मेंद्र पांडे जी, सारे इन जो दृश्य हैं, जो दरो दीवार हैं, जो हौज हैं, जो नालियाँ हैं, उसको कवर करके आपको दिखाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम किया जाता था। और इसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ लगी रहती थी, जो मजदूर थे किसान, जो किसान इस पर प्रोसेसिंग का काम करते थे। मेन जो भाग था इस फैक्ट्री का आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ से जो है पानी नदी से चढ़ करके कुएं के द्वारा, पहले नदी से कुएं में आता था, फिर कुएं के द्वारा पानी इस पर चढ़ाया जाता था। जो पानी चढ़ करके आता था, हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ पर पानी चढ़ता था और कैसे पानी इन हौजों तक पहुँचता था, क्योंकि कई हौज टूट चुके हैं यहाँ पर। ये भी हम देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पर पशु भी बांधना शुरू कर चुके हैं। अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर इसको कब्जा होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। आइए आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो इसकी स्थिति है नील के फैक्ट्री की। यहाँ पर लोग खुले में शौच भी करने लगे हैं, और इसका दुर्गंध जो है हम लोगों का जीना आराम कर चुका है। लेकिन हम चढ़ करके आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर नील का प्रोसेसिंग होता था। चलिए, हम आप मुख्य हौज है, पहले यहाँ पर पानी संरक्षित किया जाता था, यहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था। मैं चाहूँगा दिखा दें धर्मेंद्र जी की कितने बड़े बड़े हौज बने हैं। दो यहाँ पर मुख्य हौज बने थे, पहले नदी से, कुआनो नदी से पानी पर को यहाँ निकाला जाता था। एक पाइप भी निकली हुई है, जब पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता था तो पानी को बाहर निकाला जाता था। और इसके अगल बगल सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों पर चढ़ करके जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, वह इसमें काम करते थे। उतरने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हैं और चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हैं। मुख्य हौज ये दोनों थे, और उसमें लाखों लीटर पानी भरा होता था जो नदी से आता था। और इसके बाद इन हौज से पानी को जो है दूसरे छोटे छोटे जो तीन लेयर के हौज बने हैं वहाँ पर छोड़ा जाता था। तो अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी को बयां करता या जो नील की कोठी है, जो नील की फैक्ट्री है, इसको हमने आपको बताने की कोशिश की। और अंत में हम आपको कुआं भी दिखाएंगे जहां पर पानी आता था, उस पानी में जहां पर पानी इकट्ठा होता था। आप देख सकते हैं कि ये संरक्षित ना होने की वजह से जो सरकारी ज़मीन है, आज क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई है, अंग्रेज़ों की छोड़ी गई कोई भी ज़मीन सरकार की कब्जे वाली मानी जाती है। और यहाँ पर ग्रामीणों ने भी अपने कंधे और उपले पाथ रखे हैं। अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर इस पर भी
गांव के लोग कब्जा कर लेंगे और यह जो सरकारी ज़मीन है वो अपना अस्तित्व खो देगी, ऐतिहासिक धरोहर अपना अस्तित्व खो देगी। हम इस यात्रा को समाप्त करेंगे लेकिन उस कुएं के पास जाकर के जहां से पानी इन फैक्ट्रियों में जो 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर स्थित है मौजूद है पानी चढ़ाया जाता था। आपको दिखाते हैं कि जो नालियां हैं इन्हीं नालियों से पानी एरिया पूरा जो है आपको चाहेंगे एक बार दिखा दीजिए, दूर तक जो एरिया है इसी नील फैक्ट्री का हिस्सा हुआ करता था लेकिन आज यहाँ गाँव वालों के कब्जे में है और सरकार अगर चेतती है, सरकार ध्यान देती है तो निश्चित तौर पर इसको कब्जा मुक्त करके इसको संरक्षित, इसकी चार दीवारी बनवा करके इसको संरक्षित किया जा सकता है। इस पर फिर से सीमेंट के लेक लगाए जा सकते हैं। ये हौज हैं जहाँ कुएँ से पानी चढ़ाया जाता था, आप देख सकते हैं कि कितनी ऊँचाई से सामने कुआँ भी दिख रहा होगा, सामने मैं चाहूँगा कुआँ दिखा दें धर्मेंद्र पांडे जी, लेकिन ये उस कुएँ से सीधा पानी यहाँ आता था और इस कुएँ में लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित कुआनो नदी से पानी चढ़ाया जाता था। क्योंकि शाम का समय हवा तेज चल रही है, सांप भी सांपों के निकलने का समय हो चुका है और इस दौरान जो गेहूँ होता है, जो करेत होता है, उनके निकलने का सबसे मुफीद समय होता है। तो चाहेंगे मैं जानकारी तो दे रहा हूँ लेकिन सीधा फोकस इन धरोहर पर रखें। एक कुआँ है, खंडहर है, इन ईंटों को देख करके आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस काल की ईंटें हैं। मैं एक ईंट दिखा रहा हूं, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी उसको फोड़ कर मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें चूना और गुड़ इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए और उस चूने के जो अंश हैं सफ़ेदी आज भी दिख रही है, देख सकते हैं आप फोड़ करके मैं जो दिखा रहा हूँ। तो इतने सहज और सस्ते तरीके से जो निर्माण होता था वो वर्षों तक जिंदा है, सैकड़ों वर्षों तक जिंदा है। अब मैं सीधे उस कुएं पर ले चल करके अपनी यात्रा समाप्त करूंगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये कुआं कैसे यहां तक पानी भेजता था। तो ये वो कुआं है जहां पर पानी सबसे पहले आता था, पाइप के जाइए पाइप मोटे मोटे पाइप लगे थे जो सीधे कुआनो नदी से जुड़े हुए थे और कुआनो नदी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा हौज बना हुआ है, वहाँ से पानी पाइप के जरिए, साइफन पाइप के जरिए इस कुएं में आता था और फिर इस कुएं से जो मैंने आपको इसके पहले का व्यू दिखाया है, कुआं दिखाया है, वहाँ पर जाता था। तो आप देख सकते हैं इस कुएं में कुआं पूरी तरीके से इसमें मिट्टी से ढका जा चुका है, अब कुएं का सिर्फ ध्वंसावशेष बचा हुआ है। तो ये थी कहानी अंग्रेजों द्वारा जो नील की फैक्ट्री थी, नील का प्रोसेसिंग होता था उसकी कहानी थी। और ये बस्ती जनपद जिला मुख्यालय से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर गांव बक्सई में स्थित है और इसको अंग्रेज अधिकारी वाल्टर, उस समय एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम वाल्टर था, उसी के नाम पर यहां का नाम वाल्टरगंज पड़ा हुआ है, उसके द्वारा यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ बनाई गई थी। तो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, जो स्थानीय जिला प्रशासन है उससे पुनः गुजारिश करूंगा, ये हम लोगों का चौथा प्रयास है जिसमें हम लोग वीडियो बना करके भारतीय इतिहास को, चंपारण आंदोलन को, नीलहा आंदोलन को, तीनकठिया पद्धति को आपको समझाने की कोशिश की है और सरकार से अपील करने की कोशिश करूंगा इसको संरक्षित करें, इसको फिर से सुरक्षित करें जिससे ये इतिहास के शोधार्थियों के लिए वो सुरक्षित रह पाए।